श्रीमद् भागवत कथा में छठवें दिन श्री कृष्ण और रुक्मणी विवाह के प्रसंग पर पंडाल में श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल और जमकर झूमे नाचे। बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में रैकवार परिवार की ओर से श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन शनिवार को कथा व्यास बालव्यास पंडित ऋषिकांत गर्ग महाराज स्वामी जी ने श्रीमद् भागवत कथा के छठे दिन में श्री कृष्ण रुक्मणी विवाह का आयोजन हुआ, जिसे बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। श्रीमद् भागवत कथा के छठवें दिन कथावाचक कथाव्यास बालव्यास पंडित ऋषिकांत गर्ग महाराज स्वामी जी ने रासपंच अध्याय का वर्णन किया। उन्होंने कहा कि महारास में 5 अध्याय हैं, उनमें गाए जाने वाले पंच गीत भागवत के पंच प्राण हैं। जो भी ठाकुर जी के इन 5 गीतों को भाव से गाता है वह भव पार हो जाता है, उन्हें वृंदावन की भक्ति सहज प्राप्त हो जाती है। भागवत के श्रोता के अंदर जिज्ञासा और श्रद्धा होनी चाहिए। परमात्मा दिखाई नहीं देता, वह हर किसी में बसता है। बटियागढ़ के घनश्यामपुरा में संगीतमय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह 28 फरवरी 2022 से 6 मार्च तक कथा का श्रवण कथा श्रोता श्रीमती राधा रानी भागीरथ प्रसाद रैकवार के द्वारा किया जा रहा है, एवं कथाव्यास बालव्यास पंडित ऋषिकांत गर्ग जी के महाराज के मुखारविंद से सभी श्रद्धालुओं को कथा का रसपान कराया जा रहा है। जिंदगी में वृंदावन एक बार, मैं सच कहता हूँ दुनिया की किसी जगह जाना या ना जाना, लेकिन एक ना एक दिन अपने व्यास जी के साथ, क्योंकि व्यास जी की जन्मभूमि यही है लेकिन रहते वृंदावन है, तो व्यास जी के साथ अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरोक्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886 एवं 9770229999।